बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके ये रिक्वेस्ट की है कि मर्दाना बांझपन, इसके साथ साथ मर्दाना कमजोरी और जिंसी मसाइल जो हैं उनका कोई ऐसा नुस्खा पेश किया जाए जो सबके लिए यकसा मुफीद हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सादा सा मायारी और आसान नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं मर्दाना मसाइल, खसूसन मर्दाना बांझपन, जिंसी कमजोरी और टाइमिंग की कमी सूरत अंजाल के लिए। तो नुस्खा नोट फरमा लें, इसकी मकदार और तरीका अच्छी तरह समझ लिया करें ताकि बाद में आपको पूछना ना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कलवंजी ले लें 50 ग्राम, ये आसाबी दर्दों के लिए भी, आसाबी पट्ठों के खिंचाव के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मर्दाना कमजोरी का तो ये बेहतरीन हल है। कलवंजी 50 ग्राम, मेथरे छोटे छोटे बीज दाने होते हैं मेथरे, वो भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। और असगंध, ये देसी दवाई है, पिंसार स्टोर से ये आपको मिलेगी, असगंधना गोरी 50 ग्राम। ये तीन ही चीजें हैं इस नुस्खे में, कलवंजी, मेथरे, असगंधना गोरी, और हम वजन बराबर मकदार में 50-50 ग्राम लेकर इनको कूट के या ग्राइंड करके सफूफ बना लें। सफूफ, ये आपका नुस्खा तैयार है। तो आधा चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुंह नाश्ते से 1 घंटा पहले, ताजा आप नीम गर्म दूध के साथ आधा चम्मच सुबह लें और आधा चम्मच ही असर के वक्त निहार मुंह नीम गर्म दूध के साथ। कम से कम 2 हफ्ते लगातार इसको इस्तेमाल करें। जितने मसाइल होंगे, जिनसी कमजोरी, मर्दाना कमजोरी, नौजवानों के मसाइल, सूरत अंजाल, टाइमिंग, शहवत की कमी और सख्ती के लिए बेहद मुजर्रब नुस्खा है मायारी, और इंशाअल्लाह अजीज इस नुस्खे के आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये जरूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।